सत्या हे गाइस, दिस इज मी शमा। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं फाइनली आपको दिखाने वाली हूँ कुछ अच्छा। ओह माय गॉड, ये लाइटिंग हो रही है, मुझे बार बार डरा रहा है ये। तो बहुत तेज बारिश हो रही है और ये देखिए इस पागल लड़कियों से ज़्यादा इधर आओ उधर नहीं रहते। लाइटिंग हो रही बहुत तेज। आप सो गाइस, ये देख सकते हो आप, आज काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। बहुत राहत मिली गर्मी से आज फाइनली। और अभी तो मुझे यहाँ से वीडियो शूट करते हुए भी डर लग रहा है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और साथ ही साथ लाइटिंग भी हो रही है। और अभी ये देखिए, ओह माय मोए मोए सुजैन क्या हो गया, मोए मोए डर के भागी सुजैन। तो देखा आपने, बहुत तेज बादल गरज रहे थे और सुजैन डर के भाग गए वहाँ से। काफ़ी मज़ा आया। तो ऐसे चिपने से क्या होगा, तुम फाइनली भाग चुकी थी वहाँ से। तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइल मार रही थी यहाँ पे खड़ी होकर, लेकिन बिजली ने इसकी सारी अकड़ निकाल दी। क्या हो रहा है, अल्लाह बचाए, अल्लाह खैर करे। ओह माय गॉड, काफ़ी तेज गरज, मैं भी डर गई, सुजैन भी डर गए बहुत बहुत। अब फाइनली मैं ये डोर बंद कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैं सो गाइस, बारिश के साथ चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि अभी अभी बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो थोड़ा चाय भी पी लूँ ताकि वो डर जो है ना थोड़ा ख़त्म हो जाए। क्योंकि इतनी तेज़ बादल इतने तेज़ से गरज रहे थे तो मुझे काफ़ी डर गया था, सुजैन भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो ये हमारी चाय बनकर रेडी है और आप भी इंजॉय कीजिए इसे, आ जाइए हमारे साथ। तो गाइस, अभी पी रही हूँ मैं ये सॉरी गर्म गर्म चाय। मौसम ठंडा हो गया इसलिए मेरा दिमाग भी ठंडा हो गया शायद, इसलिए मैं बोल रही हूँ गर्म चाय को ठंडी चाय। और ये देखिए, ये पागल लड़की मोबाइल चला रही है जो कि अभी बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैं पी रही हूँ चाय, आइए अभी इंजॉय कीजिए हमारे साथ ये चाय। तो शाम का वक्त है, तकरीबन 5:30 बज रहे हैं अभी। तो आप क्या कर रहे हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। सो गाइस, मैंने ऑनलाइन ये एक घड़ी मंगवाई थी तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, इसलिए मैंने इससे परचेज़ किया है। बहुत ही खूबसूरत इसका जो रिव्यू था मैंने देखा, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसे परचेज़ किया था, तो मैंने सोचा मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है। तो देखने में इसका लुक काफ़ी अच्छा था, तो मैं भी इसे फिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे वॉल पर कैसा लग रहा है। तो काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है, इसलिए मैंने इसे मंगाया और कुछ अलग था इसलिए इस तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, इसलिए मैंने इसे परचेज किया। तो मीशो या फ्लिपकार्ट से आई थिंक, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने मंगाया था और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इससे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसे कैसे फिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, हाउ टू फिक्स इट, चलिए शुरू करते हैं। कैसे लगाते हैं इसे आप देखते जाइए बस। सो हे गाइस, ये देखिए मैंने इसे ऐसे लगा लिया है और इसमें अभी भी कुछ मिसिंग है क्योंकि कौन सा थ्री ना, थ्री नंबर जो है वो अच्छे से नहीं चिपक पाया क्योंकि उसमें ग्लू बहुत ही कम था और एक डॉट जो है वो भी नहीं लगा पाई मैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, बट कोई नहीं, मैं लगा लूँगी और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मेरे हॉल का जो लुक है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे बहुत दिनों से था कि ये वॉल जो मेरी अधूरी है, खाली खाली सी है, तो इसे मुझे कुछ यूनिक चीज़ लगानी है इसमें, और भी कुछ लगाना होगा यहाँ पे क्योंकि अभी भी वॉल खाली ही है, बट ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। तो
देखते हैं, अभी और भी डेकोरेशन करना बाकी है, तो अभी ये थोड़ी सी झलक थी। तो ये मेरा क्लब वॉल रेडी है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। सो गाइज, आज था मेरी भतीजी यानी कि मेरे देवर की बेटी का बर्थडे, तो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे और उसके सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। तो ये देखिए, अभी केक कटिंग होनी थी और ये खूबसूरत सा केक था। और अमायरा नाम है बर्थडे गर्ल का, जो कि मेरी भतीजी है, और कितनी क्यूट लग रही थी ये देख सकते हो आप। और हम लोग बस अब केक काटने ही वाले थे, तो बच्चे तो ज़्यादा ही खुश होते हैं, तो देखते रहिए यहाँ वीडियो में कि ये सेलिब्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। ये हमारा छोटू सा बाबू है जो कि मेरा भतीजा है, तो वो बिल्कुल ये डेकोरेशन देखकर बिल्कुल हैरान था। बस 3 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का सॉरी, और काफ़ी क्यूट है और बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो ये देखिए, यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन की जा रही है।